को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं कल उसे एयरपोर्ट में पिकअप करने जा रही हूँ। सरप्राइज है उसके लिए। मेरे साथ कल जा रहे हैं मेरा भाई, मेरा दो भाई जाएगा, मुकरंग और बारिथी मेरे साथ। कल हस्बैंड का फ्लाइट होगा मुंबई से, आपका 7:30 को फ्लाइट होगा, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 को पहुँचेगा। तो काफ़ी रात हो जाएगा, इसलिए हस्बैंड ने सोचा कि रात को गुवाहाटी में रह के संडे के मॉर्निंग को ही वापस आएंगे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ पिकअप करने के लिए, सरप्राइज देने के लिए एयरपोर्ट में। तो हम लोग कल रात ही वापस आ जाएंगे। जब हम लोग दीपू जाते थे मम्मी के घर 2-3 दिन के लिए, तो मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे कहा करते थे कि क्यों जाना, मतलब 2-3 दिन क्यों रहना है, अगर जाना है तो 1 दिन या 2 दिन के लिए जाओ, 3-4 दिन मत रहो, हमेशा बोलते थे। लेकिन मुझे कभी ऐसा मतलब फील नहीं हुआ, लेकिन अभी हो रहा है, क्योंकि 3 दिन के लिए हस्बैंड घर पर नहीं है। मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, मतलब बहुत 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 मिस कर रही हूँ हस्बैंड को। तो अब मुझे पता चल गया है, तो कहन के दीपुता आंसी गुरम चर्चा पदे, 1 दिन से ज़्यादा नहीं रहूँगी अभी, मुझे पूरा पता चल रहा है तुम कैसे मिस करती होगे मुझे और ध्यान को। अभी मैं और ध्यान तुमको जैसे मिस कर रही हूँ ना, तुम भी वैसे ही मिस करती होगी पहले। सो समझ में आ गया मुझे कि मैं जा रही हूँ अभी सोने, क्योंकि कल मुझे जल्दी उठना है, क्योंकि तुमसे जल्दी मिलना है कहन। सो तुम्हारे लिए बहुत 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 बड़ा सरप्राइज है, मिलते हैं कल एयरपोर्ट पे। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सरप्राइज सरप्राइज, व्हाट इज दिस? फोटो? नो, एग। यस, सरप्राइज एग। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं गुवाहाटी की तरफ, और इस तरफ मम्मी रेडी कर रहे हैं सब्जी हमारे देवर के लिए। हम लोग अपने किचन गार्डन से थोड़ा सा सब्जी लेके जा रहे हैं। दीनी पीपी हम आधा एक किलो दिन के नी उत्तम दुमन के इनके बंगलांग थेंगबोन। सो हम लोग देवर के घर भी जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड ने अपना गाड़ी वहाँ, हम लोग का गाड़ी देवर के घर में ही रखा है। तो अभी जाएंगे हम लोग सीधे गुवाहाटी, उसके बाद जाएंगे देवर के घर, वहाँ पे सब्जी रख के फिर हम लोग जाएंगे शॉपिंग, थोड़ा सा शॉपिंग, हस्बैंड के लिए थोड़ा सा शॉपिंग कर लेंगे, ध्यान के लिए भी थोड़ा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इवनिंग को कर लेंगे अपना पेट पूजा। पेट पूजा करने के बाद फिर हस्बैंड के लिए थोड़ा सा पैकिंग कर लेंगे, जो कि हम लोग रात को वापस रिटर्न आना है हो जाए। सो इसलिए हस्बैंड को भूख लग सकता है, तो हस्बैंड के लिए थोड़ा सा मतलब पैकिंग कर लूँगी खाने का सामान। फिर हम लोग शायद वहाँ से 12 बजे को निकलेंगे, यहाँ पहुँचेंगे 12, 1, 2, 3 बजे, 3 बजे तक पहुँच जाएंगे हम लोग हो जाए। ठीक नाम फी फी पेन हेम दोनों देपो दे फी फी पेन हेम दोनों दे नहीं आप पॉइंट हम पो दे
सो हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। हो जाए से मेरे साथ है नेंग नेंग, बारिद है, उसके बाद मुकरांग। तो चलो गुवाहाटी। तो नौगांव तक पहुंच गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी देर बाद हम लोग पहुंच जाएंगे गुवाहाटी। और आज कौन ड्राइव कर रहे हैं? मुकरांग, उसके बाद नेंग नेंग है पीछे, हेलो नेंग नेंग, उसके बाद है हमारा हीरो, आज का हीरो। सो हल्का सा बारिश दे रहा है और धूप भी दे रहा है। हेलो, सो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे आदित्य रिजॉर्ट, थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे गुवाहाटी। सो फाइनली अभी हम लोग है गुवाहाटी पहुंच गए। हम लोग 2.5 आवर्स के जर्नी के बाद फिर अभी हम लोग ढूंढने जाएंगे फ्रेश फ्लावर हस्बैंड के वेलकम के लिए। फ्रेश फ्लावर ढूंढने जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे शॉपिंग, थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे थ्यांग के लिए, एक दो मतलब टॉयस लेके जाएंगे। जी बारी मुकरांग, तो कहाँ जाएंगे हम लोग शॉपिंग के लिए? क्या मिलता है। सो हम लोग ले रहे हैं हस्बैंड के लिए फ्लावर, येलो कलर और रेड, मेरा फेवरेट कलर। कहाँ तुम्हारे लिए इस तरफ हो रहा है बुके, तुम्हारे वेलकम के लिए। ये देखो कितना प्यारा है, तुम्हारा फेवरेट कलर है। अभी रात के 10 बज चुके हैं और एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए हमें 1 घंटे की जरूरत है। सो हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट और हस्बैंड का फ्लाइट भी लैंड हो चुका है, तो चलो पिकअप करने जाते हैं, सरप्राइज देते हैं हस्बैंड को। Back to home.
सो मैंने लिखा है थेअंग मॉम इज वेटिंग फॉर यू. मुक्रांग नमी हाई नीत थे लोली हो पुना छुस्ती लांग बड़ी थी आने थे तुम थे लोली सुपर झटका लो आ नेक्स्ट वीक में डंग माथा मा माथा मासी में तारे लो ठेक मासी ठेक लोंग ले दलो आखिर सक्सेस हो गया. मेरे अकेले का नहीं पूरा टीम वर्क. नेंग नेंग बारी थे मुकरांग थैंक यू और अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट से. ओह सक्सेस कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. लाइक कैसा रहा? पूरा सुपर. और सरप्राइज? सरप्राइज तो और भी झटका हो गया मैं. मेरे अकेले का नहीं ये पूरा टीम वर्क है. आई एम गिफ्ट दी थी. वाओ थैंक यू मम्मी फॉर द गिफ्ट. आई एम वेरी हैप्पी ब्रो. Wow, pink color, Dipo. What color is this? Pink. Surprise! और एक फिर सरप्राइज. देखो डैडी ने थेअंग के लिए क्या लाया मुंबई से क्या लाया? ज़ाइलोफ़ोन. Oh! Thiang, what is this? Daddy bought for Thiang from Mumbai. Yay! Oh. What is this, Papa? The telephone. Oh, wow! Aningkarong. Oh, aningkarong. Telephone. Oh. Oh, wow. Oh, ano lang nila? Nala, Papa yun. You have stick. Telephone stick. One more. Like what? Two stick. Wow. Oh, okay. Ah. Dakala. Pula. Dak mang dakala. So thank you, Daddy. Oh, kissing. Yes. Telephone. Yes. Daddy, ang kissing pina? Ne? Oh, thank you. गुड मॉर्निंग एवरीवन. हम लोग कल रात को बहुत लेट से पहुंचे. हम लोग हो जाए कितने बजे पहुंचे कहाँ? 3 बजे 3 AM. Oh, what happened there? Oh, you got boo-boo. हम लोग रात को 3 बजे पहुंचे. Finally, मेरा प्लान सक्सेस हो गया. I'm back home now. With lots of surprise. मैंने सोचा इनका फ्लाइट तो रात को लैंड होने वाला है तो क्यों ना मैं गुवाहाटी में मतलब फिर 3-4 घंटे के लिए मतलब मिस करूं. सो मैंने किया अपना प्लान उठा के लाया एयरपोर्ट से. सरप्राइज. लॉट्स ऑफ सरप्राइज. हमको कुछ पता ही नहीं. आई वी आर शॉक्ड टू सी द सरप्राइज. ये तो सरप्राइज है. कभी कभी सरप्राइज भी देना चाहिए. हम लोग तो सुबह निकल के आएगा 4 AM. हम भी सरप्राइज देने वाला था. हम उल्टा सरप्राइज. हाँ, हस्बैंड भी सरप्राइज देने वाला था. वो सोचा कि सुबह को हम लोग के उठने से पहले बोल के रखा था 10 बजे को निकलेगा उधर से तो 3 घंटा चाहिए होगा तो बाय 1 AM और 1 PM पहुंच जाएगा बोल के. फिर उल्टा हो गया. 11 को लैंड किया तो 11:30 हम खुद सरप्राइज हो गया. सरप्राइज. फिर इधर पहुंचा घर में.
3 AM कभी कभी लाइफ में ऐसा मसाला भी चाहिए. डेफिनेटली दिल को सजाता है. ऐसा नहीं कि हम लोगों का मतलब शादी हो चुका है तो हम लोग के लाइफ में मतलब ऐसा कुछ अभी नहीं होगा. जो लोग ऐसे सोचते हैं वो गलत है. वो गलत है. सरप्राइज तो हमेशा सरप्राइज ही रहता है. शादी के बाद भी आप लोग ऐसे सरप्राइज दे सकते हो. आप मतलब अपनी वाइफ या हस्बैंड से कितना प्यार करते हो वो दिखा भी सकते हो सरप्राइज के जरिए या कुछ है कि नहीं कहा. सो थैंक यू एवरीवन. आप सब लोगों के प्यार के वजह से स्पेंड नहीं करना है वो थोड़ा छोटा छोटा चीज भी सरप्राइज हो जाता है. थैंक यू आप सब का. थैंक यू आप लोग के प्यार की वजह से मेरा इतना हिम्मत बढ़ गया. थैंक यू सो मच. वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. हमेशा की तरह हंसते रहिए गुनगुनाते रहिए खुद जियो औरों को भी जीने दो. कार्डम.